नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र गहवई। सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। हमारे इस प्रोग्राम सिटी हेल्थ में हम आपके हेल्थ के बेहतरी के लिए कई टिप्स बताते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष जायसवाल, जो कि अपोलो में स्पाइन सर्जन हैं। आज हम जानेंगे कि कुबड़ की समस्या क्यों होती है और जो स्लिप डिस्क जो एक बड़ी समस्या है वो क्यों होती है और उसका हल कैसे है और कैसे इससे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। ये बताइए कि ये कुबड़ की समस्या क्यों आती है और क्या है ये आखिर? ये अक्सर कुछ बच्चों में कुबड़ की समस्या बहुत रेयर होती है, बट कुछ बच्चों में स्पेशली ग्रोइंग एज में जब वो बढ़ते हैं तो उनका रीढ़ का हड्डी धीरे धीरे टेढ़ा होते जाता है। तो इसको हम कुबड़ बोलते हैं, जो कि हमारी भाषा में स्कोलियोसिस भी कहा जाता है। जी, इसकी वजह क्या है? क्या ये अनुवांशिक है या शरीर के अंदर के कुछ वजह रहते हैं उसकी वजह से होता है? कुछ हद तक अनुवांशिक भी है और कभी कभी रीढ़ की हड्डी बनने में कुछ त्रुटि हो जाती है, तो उसमें टेढ़ा होते जाता है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होती जाती है। ये पता कैसे चलेगा कि ये कुबड़ की समस्या है या रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो रही है? ये कैसे जो बच्चे के माता पिता हैं वो कैसे पता चलता है? जैसे बच्चा यूजुअली सीधा रहता है, कई बार हम लोग अगर थोड़ा टेढ़ापन नोटिस करें तो उससे बेटर होता है कि किसी चिकित्सक को दिखाएं, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, बच्चा खुद से ही ऐसे झुक के बैठ रहा है, बट हो सकता है उसे स्कोलियोसिस या कुबड़ की प्रॉब्लम है। ये डिटेक्ट हो जाता है यदि डॉक्टर के पास? शुरुआती में डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो क्वाइट ऑब्वियस होता है, लोग भी टोकने लगते हैं कि आपका रीढ़ का हड्डी टेढ़ा है। बट उसको जस्ट ये नहीं समझना चाहिए कि क्योंकि लड़का सीधा खड़ा नहीं हो रहा है या फिर वो झुक के पड़ रहा है इसलिए हो रहा है। उसको हमेशा हमें जांच कर लेना चाहिए और ज़रूरत पड़ने पर एक्सरे करने से ज़्यादा क्लियर हो जाता है। इसको कब तक, किस एज तक यदि पता चले तो जल्दी ठीक हो सकता है और इसके इलाज के तरीके क्या हो सकते हैं? इसका जितना जल्दी ये पता चले उतना अच्छा रहता है, क्योंकि जितना कम कुबड़ है उतने में हम इसका इलाज शुरू करते हैं तो बेहतर रहता है। कई बार ये बेल्ट से ही ठीक हो जाता है, स्पेशल पट्टे होते हैं जिससे वो हम पहना सकते हैं, या फिर अगर कुबड़ बढ़ रहा है और हम देख रहे हैं कि वो पट्टे से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। यह जानना जरूरी है कि अगर कुबड़ कम रहेगा और ऑपरेट करेंगे तो रिस्क कम रहता है, और अगर हम इसका ध्यान न दें और नज़रअंदाज कर दें और उसको बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ने दें तो फिर सर्जरी भी बहुत रिस्की हो जाती है। इसे किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं सर? इसमें बच्चा टेढ़ा हो जाता है, बच्चे की हाइट कम हो जाती है, ग्रोथ ढंग से नहीं हो पाता और कभी कभी पैरों में लकवा भी हो सकता है। तो इससे आखिर बचने के उपाय क्या हैं, क्यों कैसे बचा जा सकता है? इससे बचने का उपाय यही है कि आप अच्छा पोस्चर रखें, एक्सरसाइज करें, और अगर थोड़ा भी अंदेशा हो कुबड़ होने का तो आपको तुरंत किसी हड्डी रोग विशेषज्ञ या स्पाइन सर्जन से कंसल्ट करना चाहिए। प्रदेश में यहाँ पर कहाँ कहाँ इलाज की सुविधा है इसकी? कुबड़ की अभी फिलहाल तो यहाँ पे ही हो रहा है, बिलासपुर में अपोलो हॉस्पिटल। और सर्जरी में कितना खर्च आता होगा इसको? वो डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा कुबड़ है और क्या सर्जरी करनी है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। किस तरह से होता है, कितने दिन का इलाज करते हैं आप और कितने दिन इसको ठीक होने में? इसमें वो कुबड़ की प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो शुरुआती दौर पे है तो उसे हम एक स्पेशल जैकेट होता है उससे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ऑपरेशन करना पड़ता है। उसके बाद ऑपरेशन के बाद क्या पूरी तरीके से मरीज ठीक हो सकता है? हाँ, ऑपरेशन के बाद ठीक हो सकता है, काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। या फिर से उसको दोबारा कोई कॉम्प्लिकेशंस आएंगे या कोई समस्या इसकी? जैसे हर ऑपरेशन में या किसी भी प्रक्रिया में कॉम्प्लिकेशन की संभावना रहती है, वैसे इसमें भी रहता है। कुबड़ की सर्जरी थोड़ी रिस्की रहती है, आम दूसरे सर्जरी से यह ज़्यादा जटिल होती है, पर अगर अच्छे तरह से किया जाए तो यूजुअली प्रॉब्लम नहीं आती। डॉक्टर साहब, एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि स्लिप डिस्क की दिक्कत आती है, अमूमन जो ट्रेवल करते हैं या जो कामकाजी लोग हैं उनको स्लिप डिस्क की समस्या आती है। ये क्यों आती है और क्या वजह है स्लिप डिस्क की? स्लिप डिस्क का सबसे बड़ा कारण है हमारी जीवन शैली, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा समय बैठे बैठे बिताते हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं, रोड ट्रैवल करते हैं, झुक के काम करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स पे ज़्यादा काम करते हैं, प्रॉपर पोस्चर अडॉप्ट नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, तो ये सब कारण है स्लिप डिस्क के। बट कुछ हद तक स्लिप डिस्क अनुवांशिक भी हो सकता है। ये कैसे होता है और किस तरह से ये डेवलप होता है, जो स्लिप डिस्क की दिक्कत है वो किस तरह से डेवलप होता है? स्लिप डिस्क की जैसे अगर हम इसको देखें, ये आपका स्पाइन का मॉडल है, राइट?
तो इसमें हड्डियों की एक कड़ियों में होता है और बीच की जो गद्दानुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम डिस्क बोलते हैं, तो डिस्क अगर ये नॉर्मली अपनी जगह में हो तो पीछे जो नसें होती हैं वो फ्री रहती हैं। कभी कभी ये डिस्क स्लिप हो जाता है, पीछे की तरह निकल जाता है, जिससे कि नसों में दबाव होता है और मरीज के कमर से पैरों तक दर्द जाता है, जिसको हम लोग साइटिका भी बोलते हैं। तो स्लिप डिस्क ये डिस्क की अंदरूनी खराबी की वजह से हो सकता है। अगर आपका डिस्क हेल्दी होगा तो वो स्लिप नहीं करेगा, परंतु अगर डिस्क थोड़ा ख़राब हो गया या डिजेनरेट हो गया तो वो स्लिप हो सकता है। इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, और आखिर यदि ये डेवलप हो गया, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम एक बार डेवलप हो गई तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? बचने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर पोस्चर अडॉप्ट करें, हमेशा लंबे समय अगर बैठना हो तो पीठ के निचले हिस्से में कुछ गद्दा रखें, ज़्यादा झुके ना, ज़्यादा वजन ना उठाएं और रेगुलर एक्सरसाइज करें। सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो अगर आप अपने पीठ को एक्सरसाइज से फिट रखेंगे तो स्लिप डिस्क के चांसेस कम हो जाते हैं। क्या ये जो बाइक से जो ट्रेवल करते हैं या बाइक में जिनको ज़्यादा दूर तक जाना पड़ता है उनके लिए ये घातक है क्या? उनके लिए डेफिनेटली घातक है, और जो हमारे रोड स्पीड ब्रेकर्स हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इसमें। ये यदि ट्रेवल करना है तो क्या प्रिकॉशंस लिया जा सकता है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनको ट्रेवल करना बहुत ज़रूरी है उनके ट्रैवल के लिए। बेस्ट प्रिकॉशन है कि आप अपने गाड़ी को मेंटेन रखें, स्लो चलाएं, क्योंकि जितना झटका लगेगा, अगर आप ख़राब रास्तों पे भी हाई स्पीड में चलोगे और झटका ज़्यादा लगेगा तो डिस्क के ज़्यादा चांसेस है। स्लिप तो ये है, संभाल के चलाना चाहिए। रोड अच्छा है तो आप चला सकते हैं, बट अगर रोड ख़राब है तो आपको कंट्रोल स्पीड में होना चाहिए ताकि आपके पीठ पे झटके कम लगे। ये यदि समस्या एक बार डेवलप हुई स्लिप डिस्क की तो उसके बाद किस तरह से इसको ठीक किया जा सकता है, और किन स्थितियों में ये पता चलेगा कि ये स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है? स्लिप डिस्क, अगर कोई कमर का दर्द आपका पैरों को जा रहा है तो सबसे कॉमन जो कारण है वो स्लिप डिस्क है, और आपको अगर स्लिप डिस्क हो जाता है तो आप प्रॉपर ट्रीटमेंट से कई बार ठीक हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात है स्लिप डिस्क की कि 50% ऑफ टाइम्स ये समय के साथ खुद ब खुद ठीक हो जाता है, तो इसमें बहुत घबराने की बात नहीं है। बट कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं, कुछ विशेष परिस्थिति रहती है जहाँ पे आपको इसे नज़रअंदाज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आपको स्लिप डिस्क हो गया है और अगर आपके पेशाब में कुछ भी गड़बड़ी आ रही है तो आपको इमिडिएटली सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, या फिर आपके पैरों में कमजोरी आ रही है तब भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ परिस्थिति रहती है जब आपको ज़्यादा केयरफुल रहना, अन्यथा स्लिप डिस्क 50-60% टाइम्स समय के साथ ठीक हो जाते हैं। इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है? ऑपरेशन की पड़ सकती है, 10-20% केसेस में पड़ सकती है। यदि कोई नज़रअंदाज करता है तो स्थायी ये बीमारी का रूप ले सकता है क्या, उसको कई कॉम्प्लिकेशन? हाँ, अगर नज़रअंदाज करते हैं और मान लो आपके पैरों में कमजोरी आ गई जिसे हम लकवा भी कहते हैं तो वो परमानेंट रह सकता है। तो अगर आप उसका टाइमली इंटरवेंशन हो जाएगा, टाइमली ट्रीटमेंट हो जाएगा तो वो आपका लकवे वाला प्रॉब्लम नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट ये जो दोनों बीमारियाँ कुबड़ का या स्लिप डिस्क का, इससे बचने के लिए या ये बीमारी ना हो क्या सरल उपाय किया जा सकता है? सरल उपाय आपका जीवन शैली है, आपकी हड्डियाँ मजबूत रहें, उसके लिए आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, प्रॉपर पोस्चर अडॉप्ट करें, प्रॉपर फूड लें, बैलेंस डाइट, जिसमें कि कैल्शियम और सनलाइट एक्सपोजर का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जिससे हमारे शरीर में विटामिन D3 बनता है। जी, तो ये थे डॉक्टर आशीष जायसवाल। हम आज जान रहे थे कि कुबड़ की जो समस्या होती है और स्लिप डिस्क की जो प्रॉब्लम होती है वो क्यों होती है और उससे कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब का कहना है कि जो कुबड़ की समस्या या स्लिप डिस्क की समस्या होती है उसकी वजह है आपकी जीवन शैली, और उससे बचने के लिए आपको नियमित खान पान रखना चाहिए, साथ ही रेगुलर एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। अगली बार आपसे फिर मिलेंगे किसी नई बीमारी के बारे में जानने के लिए, और उससे बचने के क्या तरीके हैं ये सिटी हेल्थ में हम जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।